वेलकम स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफ स्लाइट लॉन्गवाल. नाउ वी कैन एक्सप्लेन यू द टॉर्जन टेस्ट. द मेन एम ऑफ द टेस्ट इज टू परफॉर्म द टॉर्जन टेस्ट ऑफ एनी मेटल. टॉर्जन में क्या करते हो आप, क्या करते हो, टॉर्क को कैलकुलेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू जो आप किसी भी एंगल ऑफ ट्विस्ट देते हो, कितने एंगल पे ट्विस्ट दे रहे हो. मींस इसमें हम मेन कैलकुलेट करते हैं मॉडल ऑफ फ्रैक्चर. वी कैन डिटरमाइन द मॉडल ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम बोलते हैं शेयर मॉडुलस ऑफ एनी स्पेसिमेन. ठीक है, ठीक है. शेयर मॉडुलस जो हमें बताता है जो हमारी इसमें शेयर स्ट्रेन आ रही है, मीन्स टॉर्क, जो हमारे टॉर्क जनरेट हो रहा है, जो आपको ट्विस्ट दे रहा है, उसकी हम करते हैं शेयर मॉडुलस निकालेंगे. बट आल्सो वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ टॉर्शन यील्ड स्ट्रेंथ एंड मॉडल ऑफ रप्चर इन टॉर्शन. ठीक है, ठीक है. मॉडल ऑफ रप्चर इज इक्वल टू द नॉमिनल सरफेस स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम टॉर्क. मीन्स आप क्या करते हो, मॉडल ऑफ रप्चर क्या करते हो, नॉर्मल सरफेस कॉरस्पॉन्डिंग टू टॉर्क देखते हो. ठीक है, आपको पता है कि टॉर्शन फार्मूला होता है. टॉर्शन फार्मूला क्या हो, उसको क्या होता है, टी बाई जे जी थीटा बाई एल एंड टॉ बाई आर. अब टी क्या है, हमारा टॉर्क ऑन द और ट्विस्टिंग मोमेंट. मीन्स आप किसी रॉड को रोटेट कर रहे हो, उसके कारण हमारा टॉर्क जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, टॉर्क होता है. और जे क्या है, हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसको इसके यूनिट क्या होते हैं, एम रेज टू पावर 4. और आई एन क्या है, हमारा इंचिस बाय 4. ठीक है, और L क्या है, हमारी लेंथ ऑफ शाफ्ट. जो आपका, जो आप कोई भी बार यूज़ कर रहे हो उसको लेंथ को बोलेंगे लेंथ ऑफ शाफ्ट. टॉस क्या है, हमारा शीयर स्ट्रेस एट द आउटर फाइबर. आउटर फाइबर मीन्स आपके जो रॉड है, सिलेंड्रिकल रॉड है, या कोई भी रॉड है, उसके जो एक्सट्रीम फाइबर है, आउटर फाइबर है, उसके ऊपर जो शीयर स्ट्रेस लग रही है. ठीक है, आर क्या है, हमारा रेडियस ऑफ शाफ्ट, जिसको मीटर में या इंचिस में कैलकुलेट कर मेजर करेंगे. ठीक है, एंड जी क्या है, मॉडल ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम शेयर मॉडुलस बोलते हैं. वैसे शेयर मॉडुलस होता क्या है, शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन. ठीक है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, जिसको हम रेडियन में कैलकुलेट करते हैं. मींस आप क्या करते हो, जो आपका कितने एंगल पे आपकी बार जो ट्विस्ट हो रही है, मीन्स विद रिस्पेक्ट लॉन्गिट्यूड एक्सिस कितने रोटेट हो रही है. ठीक है, ये हमारा हो गया एंगल ऑफ ट्विस्ट. नाउ वी कैन डिस्कस शेयर मॉडुलस. ठीक है, शेयर मॉडुलस का आपने फ्रॉम टॉर्शन इक्वेशन से आपने कैलकुलेट कर लिया, टी एल बाई जे फाई. टी तो आपको पता ही है, एल क्या हमारा, एल क्या हो गया लेंथ ऑफ शाफ्ट, जे हो गया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाई एंगल ऑफ ट्विस्ट. आपको पता है जो आपकी बार होगी हमारे सर्कुलर सेक्शन की होगी, मीन्स आपकी जो सिलेंड्रिकल होगी लेकिन क्रॉस सेक्शन क्या होगा उसका, सर्कुलर. तो आपको पता है पोलर मोमेंट ऑफ अर्शिया फॉर सर्कुलर सेक्शन क्या होता है, पाई आर रेस्ट पावर 4 बाई डिवाइडेड बाई 2. हम जे की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे तो हमारा जे का फॉर्मूला आ जाएगा टी बाई थीटा 2L पाई आर बाई 4. ठीक है, यहाँ से हमारा शीयर स्ट्रेस का फॉर्मूला निकल जाएगा 2T मैक्स बाई पाई आर क्यू. ठीक है, आपको पता है टॉर्क की वैल्यू, आपको पता है जो आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे आपको वहाँ से एन की वैल्यू निकल जाएगी. एन से हम क्या निकल जाएंगे, पावर की वैल्यू होती है, पावर का फॉर्मूला 2 पाई n / 2 pi t / n होता है बाई 60. ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन की वैल्यू पुट कर देंगे, वहाँ से हमारी पावर निकल जाएगी. ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले हम बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट वी कैन टेक अ सम मेजरमेंट. सबसे हम क्या करोगे, आप पैरेलल लेंथ ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन, जो आप स्पेसिमेन ले रहे हो टेस्ट के लिए, उसके आप सबसे पहले क्या करोगे, लेंथ को कैलकुलेट करोगे. ठीक है, आफ्टर एवरेज डाई ऑफ डिफरेंट प्लेसेस. आप जो बार ले रहे हो तो उस बार का आप क्या करोगे, एट डिफरेंट पॉइंट पे उसका डाया मेजर करोगे. ठीक है, उसके बाद आप एक टेबल बनाओगे, आप डिफरेंट रीडिंग्स लोगे, उसकी जो आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट आपको क्या बताएगा, ये टॉर्शन टेस्टिंग मशीन पे आपको वो जो आप सर्कुलर होगा ना, वहाँ से हमें, मैं अभी आपको बताता हूँ एक्सपेरिमेंट करके. ठीक है, वहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू ले लेंगे वहाँ से, और एक साइड से हम नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे. नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से हम क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला पता है आपको, 2 pi n / t / 60 पे आप n की वैल्यू पुट करोगे, वहाँ से हमारा टॉर्क निकल जाएगा, टॉर्क की यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे. ठीक है, ठीक है, ठीक है. नाउ वी कैन एक्सप्लेन यू विद हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट. वेलकम स्टूडेंट, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल लैब. नाउ वी डिस्कस अबाउट द न्यू एक्सपेरिमेंट, टॉर्शन टेस्टिंग मशीन. इन दिस एक्सपेरिमेंट वी कैलकुलेट मेन अपरेटस वी कैन यूज टू
आर शेयर मॉडुलस. शेयर मॉडुलस इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन. इन दिस एक्सपेरिमेंट फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द आर्क्रेटर्स. दिस इज आर मोटर. मोटर फ्रॉम देयर दिस इज आवर स्विच ऑन ऑफ पॉइंट एंड फ्रॉम देयर वी गिव द रोटेशन आरपीएम ऑफ द रोटेशन एंड फ्रॉम वी प्रोवाइड द पावर पावर इनपुट एंड दिस इज आर चक इन दिस इज आर जॉब वेयर वी फिक्स आर आवर स्पेसिमन. इन दिस वन स्पेसिमन इज फिक्स अनदर स्पेसिमन इज रोटेटिंग अनदर चक इज रोटेटिंग and after that from their graduation scale we calculate the angle of twist from theta and this will give our rotation. From that rotation as we know that the power is equal to t into 2 pi nu upon 60. We have n value and power value. From that we calculate the torque. First we start the apparatus with the help of now our machine will be start. Now this will be give our angle of twist of R second start rotating. This will be give our number of rotations. We can until rotate so that the sample become breakdown. Thank you. Now you can see that the our sample gave that torsion. You can see properly. This will be the torsion provide a torsion. They gave an angle of twist. Carefully you can see that.